हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अडेप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ पर एक एनिमल पैदा होता है, वहाँ जहाँ पर जीता है, बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट सच एज लैंड, वाटर और एयर। एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में आपने देखे होंगे। आपने लैंड पे रहने वाले, धरती पे रहने वाले एनिमल भी देखे होंगे, पानी में रहने वाले और एयर में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। लाइक प्लांट, दे ऑल्सो एडजस्ट देमसेल्व टू देयर सराउंडिंग्स। जैसे कि प्लांट अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ ढल जाते हैं, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, ये भी अपनी आसपास की सराउंडिंग्स के साथ ढल जाते हैं, एनिमल्स भी। अडेप्टेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स अडेप्ट और चेंज देमसेल्व्स टू सूट देयर सराउंडिंग्स। एनिमल्स क्या करते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स में ज़िंदा रह सकें। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, वो अपनी सराउंडिंग्स, अपने वातावरण के साथ ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। दीज चेंज अकर ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ये जो चेंज होता है, मतलब जैसे कोई एनिमल है, अगर वो ठंडी जगह पर रहता है तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वो एकदम से नहीं आएगा, वो धीरे धीरे चेंज आता है। ठीक है, वो लंबा टाइम लेके चेंज आएगा। दी प्रोसेस इन विच एन एनिमल और प्लांट चेंज इट सेल्फ टू सूट इट सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ये जो प्रक्रिया है अपनी सराउंडिंग के साथ अपने आप को चेंज कर लेने की, अपनी सराउंडिंग की तरह अपने आप को ढाल लेने की, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन इज़ एन असेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। दिस गिव्स देम अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। Those who cannot adapt slowly die or vanish। अब इसमें हमें क्या बताया है कि अडेप्ट करना, चीज़ों को अपनाना कितना ज़रूरी है। इसमें देखिए ज़रूरी क्यों है, जो लोग जो है नहीं अपनाते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं, उनके साथ क्या होता है, या तो वो जो है धीरे धीरे मर जाते हैं या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, अब जैसे इसका मैं एक अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, तो अभी क्या था, पहले आज से एक साल पहले क्या था, कोरोना वायरस नहीं था। तो कोरोना वायरस ने जो है क्या किया, कोरोना वायरस के आने से अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो है बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या करके जाते हैं, मास्क पहन के जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और जो है हम आते ही हाथ धोते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए। और जो लोग इन चीज़ों को नहीं अपना पा रहे हैं वो क्या कर दे रहे हैं, वो लोग उससे मर जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स क्या करते हैं, मोस्ट एनिमल अडेप्ट आइदर टू देयर हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स और फॉर देयर प्रोटेक्शन। लेट अस डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। सारे एनिमल क्या करते हैं, अपने आसपास का जो रहने की जगह होती है उसको, फूड को, इन सब चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो आराम से वहाँ पर रह पाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स की, कुछ एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने जो है अपने आप को ढाला है चीज़ों की तरह पे। टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल धरती पे रहते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बुलाते हैं। जैसे कि एनिमल्स लाइक डॉग, डियर, कैमल, काउ एक्सेट्रा आर वेल अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। दीज एनिमल्स हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव ऑन लैंड। ये अब आपने देखा होगा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता और भी बहुत सारे जानवर हैं, भैंस है, गाय है, सब लोग कहाँ रहते हैं, ये सब लोग हमारे धरती पर रहते हैं। ठीक है, लैंड पे रहते हैं। तो ये जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लिया है। दे हैव इनके क्या क्या होते हैं अडेप्टेशन में, इनके पैर होते हैं, इनके लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, हेरी और थिक स्किन होती है, जैसे कि इनके बाल होते हैं, और मोटी स्किन होती है ताकि ये ठंड से बच पाएँ। ठीक है, और जो है इनका, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा सोचने का, हमारा चीज़ों पे रिएक्ट करने का सिस्टम होता है, वैसे ही इनका भी सिस्टम होता है, और सेंस ऑर्गन होते हैं, मतलब चीज़ों को महसूस कर पाते हैं ये लोग भी।
एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन और पोलर रीजन्स हैव हैवी फर ऑन देयर बॉडी. दीज एनिमल्स ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट. द माउंटेन गोट इज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग. इट हैज स्मॉल हूव्स दैट हेल्प इट टू क्लाइंब अप एंड डाउन एट स्टीप रॉकी माउंटेन साइट्स. इट्स थिक कोट प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड. देखिए इसमें क्या कह रहा है, एनिमल लिविंग ऑन माउंटेन, जो भी एनिमल माउंटेन्स पे रहते हैं, इसमें ये एक एग्जांपल दे रहे हैं वो, कि जो भी एनिमल माउंटेन पे रहते हैं वो, या फिर जो है बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनकी बॉडी उसी तरीके से ढल जाती है. उनकी बॉडी पे इतने मोटे मोटे बाल आ जाते हैं, इतने हैवी फर आ जाता है, ताकि वो क्यों आ जाता है, ताकि वो ठंड से बच पाएँ. ये इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है फैट की एक लेयर बन जाती है, मतलब इनकी चमड़ी के अंदर जो है फैट की लेयर बन जाती है, ताकि इनको ठंड से बचाया जा सके. अब जैसे देखा होगा माउंटेन गोट जो होती है, जो पहाड़ों पे रहने वाली बकरी होती है, वो जो है बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा लेती है. क्यों? क्योंकि उसको आदत हो जाती है ऊंची छलांग लगाने की, क्योंकि उसे पहाड़ चढ़ने हैं. और उसके जो खुर होते हैं, जो नीचे के पैर होते हैं टकने से, वो क्या होते हैं, वो बहुत जो है ऐसे हो जाते हैं, सख्त या खुरदरे हो जाते हैं, ताकि वो आराम से जो है बहुत सटीक जो ढलान होती है उस पर भी बड़े आराम से चढ़ पाए. ठीक है, ये क्या होता है, ये टाइम के साथ चेंज होती चली जाती हैं चीज़ें. और उसकी बॉडी के ऊपर भी जो है बाल होते हैं, जो कि उसे ठंड से बचा के रखते हैं. आप देखिए इसमें जो है आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं, पोलर बियर है, मस्क है, सील है, पेंगुइन है. ये क्या करते हैं, ये अपने जहाँ भी रहते हैं उस रीज़न के हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है. एनिमल लिविंग इन डेजर्ट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव विद लिटिल वाटर. मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल आर स्मॉल इन साइज. दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी ईयर्स. अब ये तो जो है ऐसे एनिमल्स थे जो ठंड में रह सकते थे. अब जैसे हमारा ऊँट होता है, वो कहाँ होता है, वो डेजर्ट में, जहाँ पे जो है बिल्कुल मिट्टी मिट्टी होती है. राजस्थान हो गया जो है, जहाँ मिट्टी वाली जगह, जहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है. कैमल कहाँ होता है, वहाँ पर मिल जाता है हमको. कैमल ने अपने अपने आप को उनके हिसाब से ढाल लिया है. मोस्ट डेजर्ट एनिमल क्या होते हैं, बहुत सारे जो डेजर्ट में रहने वाले, जो मरुस्थल में रहने, डेजर्ट की हिंदी होती है मरुस्थल, मरुस्थलों में रहने वाले जो एनिमल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं साइज़ में. ये जो है ये पानी के बिना कई कई दिन तक रह सकते होते हैं. ठीक है, कैमल हैज़ अ पैडेड फीट टू मूव ऑन सैंड. आपने देखा होगा जो कैमल होता है, ऊँट अगर किसी ने देखा होगा, तो उसके नीचे के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं. वो इसीलिए होते हैं ताकि वो सैंड पे, मिट्टी पे अगर वो पड़ते हैं तो वो आराम से चल पाए. अगर सटीक पैर होंगे तो वो धंसते चले जाएंगे. ठीक है, कैमल्स हैव हम्प्स ऑन देयर बैक विच हैव स्टोर्ड फैट. कैमल्स जो होते हैं उनकी आपने पीठ पे देखा होगा एक कुब्बड़ से निकला हुआ होता है, कुब्बड़ बोलते हैं हम्प्स. हम्प्स का मतलब होता है कुब्बड़. तो वो क्या होता है, वो इसलिए होता है, उसमें कैमल अपना कई कई दिन का फूड जो है वो स्टोर करके रखता है. ओके, फैट गिव्स देम एनर्जी. फूड कह सकते हो या फैट कह सकते हो. फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर फॉर मैनी डेज. दे हैव लॉन्ग आई लैशेज दैट प्रोटेक्ट देयर आईज ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म इन डेजर्ट. अब ये देखिए, हम जो है हमारी जो आई लैशेज होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, आँखों की जो पलकें होती हैं, लेकिन जो ऊँट होता है उसकी जो आई लैशेज होती हैं वो बहुत बड़ी लंबी लंबी होती हैं. इतनी लंबी नहीं भी नहीं, मतलब हाथ के बराबर की, मतलब कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करेंगे हमसे बड़ी होती हैं. क्यों? ताकि जो है जब रेत उड़े तो वो उसकी आँखों में ना जाए. ठीक है, उसी तरीके से ये जो फैट होता है इनके, जो ये कुब्बड़ बना हुआ होता है ऊँट के ऊपर, उसमें वो क्या करता है, वो अपना खाना या फैट जो है वो स्टोर करके रखता है. जब उसे कई दिन तक खाना नहीं मिलता तो वो क्या करता है, उसमें से खाना अपना यूज़ करता रहता है. ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे. ओके.